हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग नॉलेज। दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जिन स्टूडेंट ने दोस्तों ओवरमैन सर्टिफिकेट अप्लाई किया था DGMS में, वो लोग का दोस्तों सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया। दोस्तों, लगभग टाइम हो गया है लेकिन वो लोग का सर्टिफिकेट नहीं आया है। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि ECL में वैकेंसी आ चुका है 313 पोस्ट में। दोस्तों, जिन लोगों का ओवरमैन सर्टिफिकेट नहीं आया है DGMS से, वो लोग दोस्तों फंस चुका है। दोस्तों, वो लोग DGMS में जाकर बात कर रहा है लेकिन दोस्तों वो लोग का काम नहीं निकल पा रहा है। सबसे पहले पढ़ते दोस्तों इस एप्लीकेशन को, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि DGMS से हम लोग और क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या दिक्कत आता है दोस्तों माइनिंग के छात्रों के लिए। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों इस नोटिस को। दोस्तों, जैसा कि आप इस एप्लीकेशन को पढ़ सकते हैं, इस एप्लीकेशन में दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है DGMS द्वारा ओवरमैन सर्टिफिकेट जारी करने में देरी करने के संदर्भ में। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो छात्र माइनिंग में डिप्लोमा किए हैं, उन छात्रों को ओवरमैन सर्टिफिकेट बिना किसी एग्ज़ाम में DGMS द्वारा मिलता है, जिसके लिए DGMS में बनाए गए नियम के अनुसार हम सभी ने ओवरमैन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए DGMS में अप्लाई किए थे, परंतु अभी तक ओवरमैन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। फिर नोट करके है दोस्तों, हमारी मांग यही होगी कि 31 जनवरी तक जितने भी ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन आए हैं, उन सर्टिफिकेट 19/2/2022 तक इशू कर दिया जाए। और ECL में 300 प्लस पोस्ट के लिए माइनिंग सरदार की वैकेंसी आने वाली है। अगर हमें समय रहते ओवरमैन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो हम ECL में आने वाली वैकेंसी अप्लाई नहीं कर सकते। अंत आप सभी भाई से निवेदन है कि मंडे डेट 7/2/2022 को हम सब DGMS धनबाद में पहुंचकर ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए सेक्रेटरी से अनुरोध करेंगे, जिससे कि हमें जल्द से जल्द ओवरमैन सर्टिफिकेट मिल सके। दोस्तों, ये सब था माइनिंग छात्रों का डिमांड। सच में दोस्तों बहुत प्रॉब्लम है। जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, वो लोग सच में दोस्तों ECL में वैकेंसी छूट सकता है। मेरा DGMS से दोस्तों एक ही विनती है कि इन स्टूडेंट का जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। और सच में दोस्तों हम लोग कितना वेट करेंगे। दोस्तों, PTPT में भी हम लोग का समय जाता है, उसके बाद दोस्तों GT में भी दोस्तों बहुत समय लगता है DGMS से सर्टिफिकेट लेने में, और दोस्तों उसके बाद ओवरमैन में भी दोस्तों काफ़ी टाइम लग जाता है सर्टिफिकेट लेने में DGMS से। तो दोस्तों हम लोग कब तक वेट करेंगे? इससे दोस्तों माइनिंग के छात्रों का फ्यूचर खराब हो रहा है, बहुत समय चला जाता है। दोस्तों, मैं DGMS से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप एक रूल बनाए कि DGMS में कोई भी एप्लीकेशन आए, वो लोग का सर्टिफिकेट जल्द से जल्द मीन्स 1 मंथ के अंदर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन निकाले जिससे छात्रों का समय और फ्यूचर खराब ना हो, जल्द से जल्द वो लोग का सर्टिफिकेट मिल जाए। विनती है दोस्तों DGMS से इस वीडियो को इतना शेयर करने की DGMS के पास चला जाए, वो लोग दोस्तों हमारे जो भी प्रॉब्लम है समझेंगे, उसके बाद दोस्तों कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।